हेलो दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अपना बेहतर तैयारी और रिवीजन में लगे होंगे। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 21,391 पदों की जो भर्ती का पेपर और आंसर वायरल वाला जो बात आया था, उसमें अलग अलग मोड़ पर अलग अलग न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। आज क्या क्या हुआ है, कल क्या हुआ है, मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कल जो आपको कंकड़बाग ने अपना अलग अलग जो रिपोर्ट जुटाया था, आज EOU को सौंप दिया है फाइनल रूप से। अब वो 74 केस हुआ है, यानी जहाँ पर आप कंकड़बाग में जो स्कूल पर आपको आंसर की पता चला था, पता कि लोग वो उसी आंसर की को सिंगल साहब बोले थे कि अपने मन से लोग सोच लेते हैं आंसर की, जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो भैया कितना विद्वान हो जाते हैं हमको ना पता है। तो ये चीज़ है। अब ये बात है कि सर इसका आगे क्या होगा, तो अपना केस जो है वो EOU को, आपको जो बिहार आपराधिक इकाई जो टीम है उनको सौंप दिया गया है। अब वो अपना जाँच में लगा हुआ है, ठीक। अब उसमें जो कल्प्रिट होगा वो सामने निकल कर आएगा। मैं आपको बता दूँ कि आप अपने तैयारी में लगे रहिएगा, भले ही परीक्षा में थोड़ा डिले हो रहा है। SIT टीम जो गठित किया गया है, समझिए कि वो भी अलग अलग जगह पर दबिश कर रहा है। अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 4 जवान ऐसे भी हैं जो कि आपको रडार पर आ चुके हैं, यानी 4 और जवान, एक तो छोड़ो। और ऐसे अगर बढ़िया ईमानदारी से चेक होते रहा ना, तो बहुत से जवान रडार पर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अध्यक्ष साहब सिंगल साहब ने, CSBC के जो चेयरमैन हैं, वो आकर जो बोले थे कि अचानक, मतलब जल्दीबाजी में, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उनको सफाई देना भी भारी पड़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच का मोड़ उधर भी मुड़ रहा है और बहुत अच्छे लोग टीम में जांच कर रहे हैं। बात यहाँ ये है कि बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर जी 8415 पद में भी ऐसे हुआ था। 8415 पद में ऐसे हुआ था, इसका प्रत्यक्ष गवाही तो मैं आपके सामने हूँ ना, इसका प्रत्यक्ष गवाही है कि जो आपको ट्वीट किया गया उस समय के समय, जो लड़के अलग अलग ट्वीट और मेल किए हैं, वो सब अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है एक शिफ्ट में 22,000 रिजल्ट होना और एक अलग शिफ्ट में उसी आपको दिन में 800 रिजल्ट होना, उतना ही लड़कों में, ढाई लाख जो लड़के एग्जाम देने हैं सेकेंड शिफ्ट में, उसमें 22,000 रिजल्ट हो गया, और फर्स्ट शिफ्ट में वही 2.5 लाख जो लड़के दिए थे उसमें से सिर्फ 800 रिजल्ट हुआ। ये गवाही कहाँ से आता है, ये जो निकल कर आ रहा था वो वहीं से आता है, वो सारा डाटा मेरे पास है। और अगर मेरे से कोई एविडेंस इस क्षेत्र में मांगा गया कि 8415 पद में भी ऐसा हुआ था, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही अकलौता इंसान नहीं हूँगा, मेरे जितने भी अभ्यर्थी और भी होंगे जो मेरे से 2020 से पहले से जुड़े होंगे, वो भी इस हकीकत बात को जान रहे हैं कि 2020 में भी क्या हुआ था, ठीक ना। अभी भी उसका आंसर ट्विटर पर तैर रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत से लड़के उस समय के बोले कि सर जी देखिए ये मेरे पास है ये चीज़ें, तो वो चीज़ है। अगर मेरे से अगर अभी समय में अगर वो एविडेंस मांगा जाए, तो मैं बेहतर तरीके से उसे प्रस्तुत कर दूंगा कि 1 घंटा पहले क्या क्या हुआ था, और उसके चलते काफ़ी जो रिजल्ट प्रभावित हुआ था, यानी जब रिटर्न का रिजल्ट आया था तो उसके चलते कितने बेचारे गरीब लड़के बाहर हो चुके थे, कितने लड़के तैयारी कर रहे थे और उसी समय से मनोबल टूट गया था लड़कों सबका। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब भी नाम लिया जाता था, मन इनका झनक जाता था, बोलते थे इससे अच्छा है कि दरोगा की तैयारी कर लेंगे, और इसका तैयारी कौन करेगा। अब अलग अलग रडार पर भी आ रहे हैं, जो पिछला भर्ती कराए हैं, जिनका लालच था कि अपना बहनोई को भी पास करा दे, अपने भाभी को भी पास करा दे, अपने दोस्तों को भी पास करा दे, इस लालच ने उनको जकड़ रखा। और ऐसा ये पहला नहीं होगा, अगर अच्छे से जांच किया जाए ना, तो बहुत से ऐसे कॉन्स्टेबल निकल कर आएंगे जो पहली बार, जो पिछले, इससे पहले जो भर्ती हुआ है 8415 वाला में, उसमें भी वो गलत काम कर ये भर्ती में गए थे। देखिए सब पर उंगली तो मैं नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान जो है अगर सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा तो वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इस बाबत नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि जो हकीकत है उसे कितना आप दबाओगे, कुछ समय के लिए दबाओगे, हो सकता है कि दब जाए, लेकिन हकीकत एक बार चीड़ फाड़ कर बाहर निकलता है, और उतना ही आवाज़, उतना ही दम, उतना ही एनर्जी के साथ निकलता है कि वो अपने आप को साबित कर देता है कि यही बात हकीकत था। और 8415 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हकीकत वही है, उसका हकीकत कहीं नहीं टला है। आप लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ बहुत जगह से मेरे से भी कॉल आया कि सर जी देखिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये आपको सामने निकल कर आ रहा है कि कम से कम इस पर भी अब दबिश किया जा रहा है, तो बढ़िया चीज़ है। और रडार पर तब CSBC भी पूरी तरीका से आ चुका है। अब पूरी तरीका से केस जो है आपको बिहार आर्थिक अपराध इकाई के हाथ में चला गया है, उनके टीम में। अब जो भी होगा वो आपको उसमें देंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और कैसे, कितने समय पहले हुआ है, और ये सब के आगे आखिर बहुत से जो अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर जो वायरल हुआ, आंसर वायरल हुआ है, वो आपको जहां पर क्वेश्चन छपता है वहीं से ये चीज़ हुआ है। तो बढ़िया चीज़ है कि इस बार, मतलब आर पार हो ही जाए, इस बार बेहतर तरीका से जांच हो ही जाए, तबे बेहतर है, सभी लड़के संतुष्ट होंगे। लेकिन लड़कों का विश्वास डगमगा गया है ना, लड़कों का विश्वास टूटा है, बहुत टीचर का भी विश्वास टूट गया है कि आखिर हम तैयारी करते हैं इतना रातों दिन मिलाकर। आप लोग तैयारी किए, हम लोग भी देखिए, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़े, अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक ना। खासकर बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी के लिए दिन रात हम लगे रहते हैं कि कम से कम उनका रिजल्ट हो जाए, बेहतर रिजल्ट हो। गरीब घर के लड़के आते हैं, मैं जानता हूँ कि कैसे घर के लड़के आते हैं, क्या सोच कर आते हैं, पर ये जो होता है ना, ये बहुत सोचनीय बात है कि
आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। सो आप लोग चिंता मत करो, बहुत अच्छे लोगों द्वारा ये जांच किया जा रहा है और कहीं ना कहीं रडार उस तरफ जाना चाहिए। जो लड़के बार बार डिमांड उठा रहे हैं कि CSBC का भी जांच होना चाहिए, क्योंकि सभी का शिकायत कहीं है कि आखिर कैसे ये कह दिया गया कि कुछ नहीं हुआ है और फिर अगले दिन जाकर ये चीज़ कह दिया गया कि सब चीज़ हुआ है। तो ये अपने आप में जांच के विषय है। और बात रहा कि अलग अलग जो कॉन्स्टेबल वाले तुम लोग फोटो और जो ये चीज़ भेज रहे हो, जो मैं आपको लगा दूंगा अभी कटिंग आप देख लीजिएगा, वो कॉन्स्टेबल वाले शुरू में भी मैं आपको लगाया, वो कॉन्स्टेबल वाले की अलग अलग जगह से देखिएगा कि जो पिछला जो भर्ती हुआ है उसके भी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको बार बार आदत पड़ चुका था, पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीके का इनको आदत पड़ चुका था, पैसे लाखों करोड़ों में भुनाया जा सके। एक तो डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट का भी नाम आपको फंसा रहे हैं, ऊपर से आप देखिएगा कि अपना इज्जत तो दाव पर लगा ही रहे, लाखों लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके मनोबल में पढ़ने का मन करता है, मेरे से बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, बोलते हैं सर जी ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हम लोग का विश्वास अब हुआ, आप लोग को पढ़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट होगा, जरूर रिजल्ट होगा, पढ़ोगे तो जरूर रिजल्ट होगा। और ऐसे ही विश्वास बनाए रखना अपना, जो देखो सभी डिपार्टमेंट पर आप उंगली नहीं उठा सकते, कोई उसी में से डिपार्टमेंट जो है उसी में से ईमानदार जो है वो आपका काम किए और आपका रिजल्टेंट सामने आया। होप कि आगे ऐसा ना हो, आयोग से या सरकार से यही हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगे ऐसा ना हो कि लड़के सब का जो मनोबल है वो टूटे, जो रिवीजन कर रहे हैं लगातार लड़के वो रिवीजन करना छोड़ दे, ऐसा ना हो। और जो भी पकड़े जा रहे हैं उनको मत छोड़ो, उनको ऐसा तोड़ो कि हर एक एविडेंस हर चीज़ से जुड़ जाए, और हर चीज़ से जुड़ेगा मुझे पूरा भरोसा है, जब SIT का रिपोर्ट निकल कर आएगा ना, सबका आँख खुलेगा खुले रह जाएगा, क्योंकि बेहतर तरीका से आर्थिक अपराध इकाई टीम द्वारा काम किया जा रहा होगा और होगा भी। सभी लड़के और सभी अभ्यर्थी के गार्जियन जो है ये होप लगाकर बैठे हैं। बहुत से लोगों गार्जियन का भी मेरे पास फोन आता है कि सर जी बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग भी बोल देते थे कि देखो इसमें तुम्हारा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं कि बढ़िया से पढ़ोगे, तैयारी करोगे, रिविजन करोगे तो जरूर होगा। तो देखो अभी एक गलती आप लोग भी कर रहे हो कि पूरी तरीका से आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है एकदम संकोच होकर आप सब चीज छोड़ चुके, नहीं, कम से कम रिवीजन तो करते रहो, नया चीज मत पढ़ो लेकिन रिवीजन तो करते रहो, यही आपका रिजल्ट का कारण बनेगा। रिवीजन करते रहोगे ना, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा, कोई नहीं रुकेगा। और एक बार आपका अगर रिजल्ट आ गया ना, अंदर से अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिजिकल में तो तुम लोग फाड़ कर रख दोगे। मेरे बातों से बहुत से फिजिकल टीचर आहत हुए थे, देखो मैं सबको नहीं लपेटा था, ये काफ़ी लोगों ने फोन भी करने स्टार्ट कर दिया, सर जी ऐसे नहीं बोला, मैं क्या बोला था, मेरा सेंटेंस ये था कि फिजिकल टीचर इसमें सम्मिलित है, हर जगह से पकड़ा रहे हैं, तो फिजिकल टीचर जो पकड़ा रहे हैं मैं उन्हीं लोगों के बारे में बोला था जो ये काम कर रहे थे, जो लड़कों को सपोर्ट नहीं किया। जब लड़के देखो दो ये है, रिटेन वाले टीचर काफ़ी खड़ा हुए, लेकिन फिजिकल वाले भी टीचर बहुत से खड़ा हुए हैं, जिनके बारे में मैं गलत नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन वो लोग जो लड़कों को गुमराह कर देते हैं, जो लड़के उनके पास फिजिकल करने जाते हैं वो बोलते हैं 100% तुम्हारा रिजल्ट होगा। किस बेसिस पर रिजल्ट होगा भाई, पढ़ो भी दौड़ो भी, सबसे पहले रिटेन एग्जाम होता है जी, तो सबसे पहले रिटेन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ना दौड़। जो आदत पड़ चुका था ना, जो 2019 से जो आदत पड़ा था, वही आदत इन लोगों का खत्म नहीं हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। और वीडियो आप लोग बोल रहे हैं कि सर जी आप लगातार वीडियो बना रहे हैं, बस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि दबाव बना रहे, जांच नज़र में रहे, हर न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ नज़र में रहना चाहिए। अभी देखोगे प्रिंट मीडिया एकदम धड़ाधड़ एविडेंस को छाप रहा है, धड़ाधड़ लिख रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि ये काम हो रहा है लड़कों के पक्ष में, भर्ती आ रहा है लगातार, आप लोग तैयारी कर रहे हो लगातार, सर तैयारी सभी लोग सर टीचर लोग रिस्पेक्टेड तैयारी करा रहे हैं, तैयारी करते रहिए, रिविजन करते रहिए, आप लोगों को भी चुकना नहीं है, और हर एग्जाम में आपको रिजल्ट देना है, एनर्जी के साथ रिजल्ट देना है। और जहां बात अन्याय का आया वहां टीचर को भी भर सपोर्ट कीजिए, और जो लोग नहीं आपके बात के लिए उखड़ कर आते सामने नहीं आते उनका भरसक बहिष्कार भी होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन जो होता है ना ये सर्वोपरि होता है, बिना टीचर बिना स्टूडेंट, बिना स्टूडेंट बिना टीचर कोई आपको वजूद ही नहीं है, एक बात समझ लो। ये ऐसा तो है नहीं कि 10th क्लास का ये एग्जाम चल रहा है, 12th क्लास का, ये कंपटीशन के एग्जाम है, एक एक नंबर के लिए आपको लड़के हजारों अंदर बाहर हो जाते हैं। सेकेंड शिफ्ट का मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार आयोग से भी, बार बार न्यूज़ मीडिया से भी मैं बार बार आवाज़ ये चीज़ कर रहा हूँ, बुलंद कर रहा हूँ कि सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट में इतना अंतर क्यों देखा गया, और जब इतना अंतर देखा जा रहा है तो क्यों 2020 से ही नहीं, क्यों आपको अलग अलग शिफ्ट वाइज रिजल्ट दिया जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक शिफ्ट में जब चोरी हो जाता है, वायरल आंसर हो जाता है, तो वहां से 22,000 रिजल्ट हो जाता है, और एक शिफ्ट में जहां लड़के बेचारे ईमानदारी से एग्जाम देते हैं कुछ नहीं मिलता है वहां से 800 रिजल्ट होता है। ये तो कोई भी पहचान सकता है कि 2020 में क्या हुआ है, 2014-15 में क्या हुआ है, ये कोई भी पहचान सकता है, मुझे किसी को बरगलाने की जरूरत नहीं है, सभी डाटा पड़ा हुआ है, मेरा भी वीडियो पुराना निकाल कर देखोगे तो मैं उस समय सच्चाई और प्रूफ के साथ बताया था, और आज भी मैं आप लोग कहोगे तो मैं वो प्रूफ आपको सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। उस समय भी मैं बहुत व्याकुल था, बहुत बेचैन था, बसरते यहाँ पर नहीं था, और बसरते पढ़ने वाले लड़कों का साथ नहीं मिला, लेकिन इस बार भरपूर लड़कों का साथ मिला पढ़ने वाले, और इस बार जो साथ मिला है ना
एकदम समझो कि मतलब बहुत ही अच्छा मेंटली रूप से, देखो मेंटली रूप से ही लोग साथ दो, किसी भी टीचर का मेंटली रूप से साथ दो, वो तुम्हारा लड़ाई लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तुम्हारे बिना तो उसका कोई वजूद ही नहीं है, मेरा वजूद हो या कोई भी टीचर का कोई वजूद नहीं है, ठीक। सो आप लोग अपना बनाए रखना, और ये जो बहिष्कार कर रहे हैं ना, ये जो निगेटिव जो लोग बोलते हैं या कमेंट भी करते हैं, समझ लो कि उसका कहाँ तक जा रहा है, उसके दाल पूरी की पूरी काली है, और कहीं ना कहीं वो अभी भी वही आंस में लगा हुआ है, लेकिन अब नहीं है होने वाला, इतना विश्वास करो। अब जो हो रहा है अच्छे से तोड़ा जा रहा है, अच्छे से पकड़ा जा रहा है, और अभी तक तो 74 FIR जो कक्कड़बाग वाला है, जो 74 FIR अलग अलग जो जगह जो जांच हो रहा था, वो आप देखोगे इतना बड़ा जांच तो कभी हम भी नहीं देखे हैं बिहार में, और इतना ये चीज, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि ये बहुत इन लोग का आदत बन गया था, मन चढ़ू हो गए थे, तो ये चीज है। बाकी अपना एग्जाम की तैयारी में प्लीज आप लोग लगे रहिए, कहीं से भी तैयारी कीजिए, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, मेरा बस एक ही सुझाव होगा, क्योंकि एग्जाम कभी भी होगा आपका रिवीजन टंच रहना चाहिए, आपकी तैयारी भरपूर रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, और जिस दिन ईमानदार लड़के वर्दी में मिलेंगे ना, उस दिन सीना चौड़ा हो जाएगा, उस दिन गर्व से हम लोग भी बोलेंगे कि अपना बिहार बदल रहा है, अपना बिहार के जो बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल है उनके अंदर ईमानदारी है, उनके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, और वो ईमानदारी से पास कर आगे निकल रहे बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थियों, बीएसएससी वाले अभ्यर्थियों, और खास करके बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल वाले अभ्यर्थियों। अभी सीएसबीसी में और भी भर्ती आना है, लेकिन ये चलते डिले हो चुका है, क्योंकि अब समझ रही हो कौन जांच के आधार पर आ रहा है, कौन जांच में खिंचा रहा है, समझ रहे हो ना। तो बाकी ये था, और मेरा कोई ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी को उकसाता हूँ या किसी का मजाक उड़ाता हूँ, बस हकीकत जो चीज़ है वही बता रहा हूँ कि ये जो कनेक्शन है, ये अब मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, ये मन चढ़ू थे जो पिछला कॉन्स्टेबल बने थे चोरी उड़ी से ना, वो मन चढ़ू है, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, उनको पकड़वाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का शिकायत भी रहता है कि सर जी जरूर इस बारे में काम करते रहिए लोग, और लगे रहिए लोग, लोग लगे हुए हैं, तैयारी भी करा रहे हैं, और अब तो बेहतरीन 2-3 दिन में आप लगातार तैयारी ही होते रहेगा, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने गार्जियन का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा, रिवीजन में लगे रहिएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।